हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बनाकर दिखाने जा रहा हूँ स्टील का एक केकड़े वाला डिज़ाइन जो है दोस्तों। ये कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, कितने कितने इंच के इसके पाइप कटिंग होते हैं और कितने पे कैसे बैंड होता है दोस्तों, बनाकर दिखाऊंगा अभी और आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाऊंगा अभी स्टेप बाई स्टेप कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे हमने बनाया है। और दोस्तों, अगर आपको स्टील का कोई भी डिज़ाइन ख़रीदना हो तो स्क्रीन पर ही नंबर दे दूँगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मंगा सकते हैं, कहीं भी मंगा सकते हैं इंडिया के अंदर कहीं भी, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको ये आपको स्टील का नहीं दिख रहा होगा ये क्योंकि बिना पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश करके हम इसको देखेंगे तो एकदम चमकने लग जाएगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, शुरू में हमें क्या करना है, हमें लेना है एक आधे का पाइप और हमें जो उसमें से चार कातरे कटिंग कर लेने हैं फ्रेम के लिए, ठीक है। और कितने कितने इंच के कटिंग कर रहे हैं आप वीडियो में बन रही है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। चलिए पहले काट लेता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे जो चार कातरे कटिंग कर लिए हमने, चलिए मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। देखिए ये दोस्तों, हमारे साढ़े चार चार इंच के चार कातरे हैं, ठीक है, साढ़े चार चार इंच के हैं, ओके। अभी जो है हमें इनका होम निकाल लेना है, जो होम आ रहा है इसमें होम निकाल लेना है, लेकिन जिस तरीके, देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं निकालना है, आपको जो एमरी पे निकाल लेना है, ठीक है। एमरी होती है पत्थर पे, उस पे आप निकाल सकते हैं, इस पे मत निकालना, ठीक है, इस पे थोड़ा खतरा है, ठीक है। चलिए मैं आपको इस पे ही निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप मत निकालना इस पे। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो होम भी निकाल लिया हमने, चलिए मैं इसको मिला कर देख लेता हूँ कि ये फिक्स है भी या गैप उप है इसमें, ठीक है, देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है एकदम फिक्स फ्रेम बन गया है, ठीक है, साढ़े चार इंच का फ्रेम है, साढ़े चार के कातरे काटे थे, साढ़े चार का ही हमारा फ्रेम है, ठीक है। अभी हमें इसको वेल्डिंग करके इस पर टाँके मार के पहले जोड़ लेना है, फिर इसको फुल वेल्डिंग कर लेना है, ठीक है। चलिए पहले टाँके मारते हैं, फिर उसके बाद इसको हम फुल करते हैं। टाँके मार लिए, अभी हमें इसका चारों तरफ यहाँ पे इसको फुल वेल्डिंग कर लेना है, पूरे पे वेल्डिंग इस पर कर लेना अच्छी तरीके से। दोस्तों, हमने जो है फुल वेल्डिंग इस पर कर लिया है अभी, ये देखिए इस तरीके से फुल कर लेना दोनों तरफ से, ठीक है। अभी हम इसके अंदर सलिया डाल देनी है, छह सलिया, ठीक है, तीन इस साइड और तीन उस साइड, ठीक है। कैसे डालनी है, कैसे लगानी है वो आप खुद देख लीजिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, हमने जो सलिया इसमें लगा लिए इस तरीके से, छह सलिए देख लीजिए किस तरीके से लगाई, इसी तरीके से लगानी है आपको भी। इसका हमें गलेंडर से वेल्डिंग घिस लेना है, चलिए गलेंडर से उसका वेल्डिंग हम बाद में घिसेंगे, पहले हमें काट लेने हैं आधे के राउंड में से छह पाइप कटिंग कर लेने हैं। और कितने कितने इंच के कटिंग करने हैं, चलिए पहले काटता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमने जो चार पाइप कटिंग करने हैं, ठीक है, छह बोला था मैंने, चार पाइप कटिंग करने हैं, ठीक है, देख लीजिए साढ़े सोलह सोलह इंच के हैं हमारे चारों पाइप, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें एक तरफ से बुच्ची लगा के और दूसरी साइड से हमें इसमें अच्छी तरीके से रेती भर लेनी है इसमें, ठीक है, ठोक ठोक के रेती भर लेनी है। पहले बुच्ची लगा लेते हैं एक साइड से, अच्छी तरीके दोस्तों हमें जो इसमें रेती भर लेनी है, और रेती हमें इसका वजन बढ़ाने के लिए नहीं भरनी है। कभी आप सोच रहे हो कि इसका वजन बढ़ाने के लिए इसमें रेती मट्टी भर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें इसको बेंड करना होता है, और बेंड हम इसको बिना रेती के करेंगे तो ये बेंड नहीं होगा, पिचक जाता है, ठीक है, इसके लिए हम रेती भरते हैं इसमें, ठीक है, ताकि पाइप पिचके ना। अभी हमने इसमें रेती भर ली अच्छी तरीके ठोक के, इसके ऊपर से भी हमें बुच्ची लगा के कपड़ा लगा के इसका मुँह बंद कर देना, और फिर उसके बाद हमें इसका करना है इसको बेंड। ये देखिए दोस्तों, अभी जो हमारी डई है जो है रेडी है एकदम, देखिए हमें इसको इस तरीके से बैंड कर लेना है, ठीक है, दोनों साइड से करना है, देख लीजिए किस तरीके से करना है, उधर से भी, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें बैंड कर लेना है चारों पाइप को अपने, ठीक है, इस तरीके से बैंड कर लेना। ये देखिए हमने जो है बैंड कर लिए, चारों को बैंड कर लिया इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, इसको बीच में से एकदम बीचों बीच से कटिंग कर देना है इसको चारों को, ठीक है, एकदम बीच में से कटना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने इस पर पहले से ही निशान लगा लिया था, आपको भी निशान लगा लेना है अगर आप बना रहे हो तो इसको, ठीक है, आपको इस पर पहले से ही निशान लगा रखा है, इसके लिए हम इस तरीके से इसको काट पा रहे हैं, एकदम बराबर कट रहा है। ये देखिए हमने जो कटिंग कर लिया है, इसकी जो हमें रेती खाली कर देनी है, रेती निकाल देनी पाइप में से, ठीक है, इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा होम
जो इसका होम आ रहा है, कटिंग में होम आ गया था, इसका होम हम इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके घिसके बराबर कर लेते हैं। जो हमारा डिजाइन जुड़ने के लिए हो चुका है एकदम रेडी, ठीक है, चलिए हम जुड़ी करते हैं। पहले इसकी देख लीजिए किस तरीके से करनी, वो आप एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आप एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, कहाँ पे रख के करना है, कितना गैप रखना है, वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं रख के दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए चारों तरफ एकदम बराबर गैप रखा है हमने, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना डिजाइन में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है, अच्छी तरीके से बराबर करके रखना है। चलिए हमने रख लिया, इस पर वेल्डिंग के टाँके हमें मार देने हैं। चलिए अभी जो हमें इस पर डबल तरफ से भी इस पर इसी तरीके से टाँके लगा देने हैं, वेल्डिंग के एक एक टाँका उसी तरीके से जैसा कि हमने सिंगल तरफ से लगाया वैसे ही हमें डबल तरफ से भी इसके लगा देना है, ठीक है। देखिए हमारे जो लग चुके टाँके, अभी हमें क्या करना है दोस्तों, हमें लेना है एक 6 इंच का रिंग बैंड कर लेना है, 6 इंच का, ठीक है। मशीन में बैंड कैसे होता है मैंने मेरी दूसरी वीडियो में देखा होगा, ये 6 इंच का रिंग है हमारा, ठीक है, 6 इंच का रिंग बैंड कर लेना है और उसमें से हमें रिंग कटिंग कर लेना है इस तरीके से, और उसको हमें बनानी है कली, 4 कली बनानी है, और कैसे बनानी है चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कटिंग करके आपको बना लेनी है, गेज बांध लेते हैं हम पहले उसका। देख लीजिए इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना, देख लीजिए एकदम बराबर जो है हमारा आ रहा है, ठीक है, देखिए इस तरीके से बराबर आ रहा है। इस तरीके के हमें 4 बना लेने हैं, ठीक है, 4 कली बना लेनी है इस तरीके से ही कटिंग करके अच्छी तरीके। चलिए अभी जो हमारी कट तो गई है कली, लेकिन इसका हम थोड़ा थोड़ा सा होम निकाल लेते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से कटर पे नहीं निकालना है, आपको एमरी पे पत्थर लगा हुआ होता है, आपको एमरी पे ही निकालना है, ठीक है, इस तरीके कटर पे नहीं निकालना है। चलिए हम कटर पे ही निकालते हैं। क्या करना है, हमारी कली पे हमें जो है इस तरीके सिंगल तरफ से वेल्डिंग कर लेना है, सिंगल तरफ से मतलब एक साइड से दोनों तरफ से वेल्डिंग कर लेना है इस तरीके से, देख लीजिए, ठीक है, इसके पलट के भी वेल्डिंग कर लेना है, ओनली एक ही साइड से करना है दोनों तरफ से, ठीक है, चारों को इसी तरीके से हमें वेल्डिंग करके जोड़ लेना है इसको को। ये देखिए हमारे जो चारों हमने जोड़ लिए हैं इस तरीके से, अभी हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा देना है, ठीक है, अगर ये कम ज़्यादा हो रहा है गैप तो इसको भींच लेना है, थोड़ा भींच के जो है बराबर करके इसको लगा देना है, ठीक है, चारों को दोस्तों हमें इसी तरीके से लगा देना है, ठीक है, पहले सिंगल तरफ से टाँके मार रहे हैं, ठीक है, चलिए चारों तरफ लगा देना है इसी तरीके से। ये देखिए हमारी जो सिंगल साइड से तो हमारी लग चुकी है, हमें जो है डबल तरफ से ठोक के, डबल तरफ से ठोकने के बाद अच्छी तरीके से ठोक लेना पहले तो इसको, ठोकने के बाद डबल तरफ से हमें इस पर भी वेल्डिंग कर देना है दूसरी साइड से भी, जैसे हमने उस साइड से किया वैसे ही इस साइड से भी कर देना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमारे जो डिजाइन पर हमने वेल्डिंग कर लिया है अच्छी तरीके से, अभी हमें क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए इस तरीके से दिख रहा है और कैसा दिख रहा है, केकड़े वाला डिजाइन ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अभी हमें दोस्तों इसे क्या लगा लेनी है, 4 1/2 की बोल कंचा, और कहाँ लगाना है देखिए, देख लीजिए इधर इधर लगाना है, चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। बस इसी साइड में रख के हमें इसके 2 साइड में, एक इधर और उसका आमने सामने 4 1/2 की बोल लगा देनी है कंचा, ठीक है, वेल्डिंग कर लेना है इस पर। अभी ये देखिए दोस्तों, अभी जो हमारे कंचे भी लग चुके हैं, अभी डिजाइन पर हमारा सिर्फ पॉलिश बाकी बचा है दोस्तों, पॉलिश होने के बाद में
इतना अच्छा दिखने लगेगा पॉलिश होने के बाद, एकदम चमकने लगेगा। ठीक है दोस्तों, डिजाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा डिजाइन। अगर चाहिए तो मुझे, आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी डिजाइन अगर आपको चाहिए तो। और यार दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करो, वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, प्लीज वीडियो को शेयर कर दे करो दोस्तों में, यार कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, और लाइक तो प्लीज कर ही देना। ठीक है, लाइक कर दो, अभी से ही कर दो। और चैनल पे हमारे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे डिजाइन की वीडियो लाता रहता।